दसवीं बोर्ड का एग्जाम रद्द करने आज छात्रों ने मुंबई के साइन में आंदोलन किया और LVS मार्ग हाईवे पर चक्का जाम किया। हालत बिगड़ता देख मुंबई पुलिस को हवाई लाठी चार्ज करनी पड़ी। हालांकि छात्र फिर भी आंदोलन पर अड़े रहे। छात्रों का कहना है कि अगर पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो 12वीं बोर्ड एग्जाम भी ऑनलाइन होने चाहिए। छात्रों के इस आंदोलन को हिंदुस्तानी भाऊ ने भी समर्थन देते हुए शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ से 12वीं बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन कराए जाने की अपील की है। हिंदुस्तानी भाऊ विकास फाटक ने कहा कि यदि सरकार ने छात्रों की आवाज नहीं सुनी तो इससे ज्यादा संख्या में छात्र आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे। मैं अभी वर्षाताई गायकवाड़ को निवेदन दे रहा हूँ कि जल्द से जल्द एग्जाम कैंसिल हो, बच्चों की फीस माफ हो। इसके लिए अभी यहाँ के एसीपी डीसीपी इन्होंने मुझे बोला है कि ये निवेदन हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। भाऊ आप टेंशन मत लो, हम वर्षाताई गायकवाड़ तक ये निवेदन पहुँचाएंगे। अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर ये सोच रहे कि मैं वो नहीं सुनेंगे तो फिर वापस ऐसे ही तादाद में उतरेंगे। देखो ये बच्चे जो अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, तो इनको हक की अपनी लड़ाई, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।